एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी चाहे इंडिया के किसी स्टेट की हो या अमेरिका की, दोनों में हमेशा रेड और ब्लू लाइट लगी होती है। लेकिन रेड और ब्लू लाइट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी में बाकी कलर्स की लाइट के बजाय सिर्फ रेड और ब्लू लाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है? मस्त जानकारी देंगे, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड लाइट दिन में ज्यादा दिखाई देती है जबकि ब्लू लाइट रात में ज्यादा विजुअल होती है। इन दोनों फ्लैशिंग लाइट के कॉम्बिनेशन से दिन और रात में ड्राइवर्स को अलर्ट किया जाता है। रेड लाइट इमरजेंसी में वार्निंग देने के काम आती है, लेकिन हैवी ट्रैफिक में रेड इमरजेंसी लाइट कई बार खो जाती है क्योंकि हर व्हीकल्स की टेल लाइट रेड कलर की ही होती है, और ऐसे सिचुएशंस में ब्लू लाइट बहुत दूर से दिखाई देती है और दूसरे ड्राइवर्स को अलर्ट करती है। इसके अलावा रेड और ब्लू लाइट्स का कॉम्बिनेशन कलर ब्लाइंड ड्राइवर्स को वार्निंग सिग्नल को समझने में मदद करता है, यानी जो लोग रेड कलर को नहीं देख पाते वो ब्लू कलर को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं, और जिन्हें ब्लू नहीं दिखाई देता वो रेड कलर को देख पाते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताएं।